गेट बंद कर लगा देंगे। हुंडई ग्रैंड i10 पेट्रोल, इसका ईपीएस मॉड्यूल स्टीयरिंग पैनल, गाड़ी भीग गई थी पानी से, इसका ईपीएस बदल दिया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है। गाड़ी स्टार्ट है, इसमें एक लेट आ रही है ईपीएस की और पावर स्टीयरिंग काम कर रहा है, पावर स्टीयरिंग वर्क कर रहा है, लेकिन इसके ईपीएस मॉड्यूल जो होता है इसमें कोडिंग करना पड़ती है। इसमें कोडिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से कोडिंग होगी, इसमें पहले फॉल्ट क्लियर करते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। C1702 वैरेंट्स कोड एरर, कोडिंग एरर, इसकी कोडिंग करते हैं। स्पेशल फंक्शन में गए, ईपीएस टैब रिकग्निशन, टेस्ट फेल्योर, वापसी जाके दोबारा से रीड करते हैं। प्लीज सिलेक्ट यूरोपियन, इसने कंप्लीट आफ्टर की ऑफ वेयर टूथ कैन वे फॉर इग्निशन, ओके की हमने ऑफ कर दी है। 20 सेकेंड के बाद देखते हैं, ट्वेंटी सेकेंड हो गए, अब चाबी ऑन करते हैं। रीड करके कोड देखते हैं, क्लियर हो गया कोड। हमारी लाइट चली गई है, इसकी स्टीयरिंग कॉलम ये पूरा ये चेंज किए, इसका टॉर्क सेंसर सब पानी में भीग गया हुआ था और इसका ईपीएस मॉड्यूल ये चेंज किया हुआ था, सब पानी में बेकार हो गया था।